हाल में एक चीज देखी जा रही है, जैसे एक फिल्म लॉन्च हो रही है बाला साहब ठाकरे की, तो तमाम सारे उस फिल्म की जो भी डेट्स उस डेट्स पर जो दूसरी फिल्में लॉन्च हो रही थी, उन्होंने उसमें कई लोगों ने कहा है कि हम डेट्स चेंज करके दूसरे समय रिलीज करेंगे, उस समय में नहीं रिलीज करेंगे, इस तरीके से देखिए फिल्म की जो रिलीज होती है वो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि अपनी फिल्म जो है वो अच्छे डेट पर रिलीज हो, और हर प्रोड्यूसर ये भी चाहता है कि जब कोई बड़ी फिल्म आ रही हो उसके साथ क्लैश ना हो। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बाला साहब से बड़ा कोई स्टार नहीं होगा, तो कोई उस दिन उनके साथ क्लैश नहीं करना चाहेगा। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई सरप्राइज होना चाहिए उनको। उनकी फिल्म आ रही है, जाहिर है महाराष्ट्र में सब लोग देखना चाहेंगे, तो कोई प्रोड्यूसर क्लैश अपने आप नहीं करना चाहेगा। नहीं, इस वक्त मैं फिट नहीं हूँ। मैंने एक्चुअली पूरी तरह मैं हाँ पूरा अनुभव है मुझे ओबेसिटी क्या है। देखिए मुझे 5 महीने लगे फैट लॉस में, मैं वेट लॉस नहीं बोलूंगा, मैं फैट लॉस बोलूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस था 38% बॉडी फैट से मुझे 9% पे आना था और बहुत मस्कुलर दिखना था, तो मसल का वजन भी ज्यादा होता है। करेक्ट जी, मैं नो, तो आई हैड टू बी वेरी मस्कुलर। तो 5 महीने लगे मुझे फैट लॉस में, और लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है, 5 महीने इज वेरी क्विक, इट्स अ वेरी क्विक टर्न अराउंड, लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनली मेरे रीजंस थे, पूरा यूनिट वेट कर रहा था, तो मैंने 5 महीने में किया, लेकिन वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना। और मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट थे मिस्टर विनोद धुरंधर सन, मिस्टर निखिल धुरंधर, ही वॉज माई न्यूट्रिशनिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा था कई दफ़ा कि ये देखिए वेट लॉस जो है वो मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट मैथ, इट्स बायोलॉजी। तो हर शरीर जो है वो अलग रिएक्ट करता है, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप इतना जल्दी लूज कर पाएंगे। तो ये पूरा अनुभव मुझे रहा है, और इसके लिए एक ही चीज़ मैं कहूँगा लोगों को कि हर आदमी के लिए मुमकिन है, हर आदमी के लिए मुमकिन है, आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आप हेल्दी बन सकते हैं। आपको ये मन में ठान लेनी है और सही गाइडेंस के साथ आपको सही स्टेप्स लेने हैं, और उस वक्त शायद आपको लगे कि बहुत मुश्किल है। जब हम हिमालय चढ़ने की कोशिश करते हैं हमको लगता है हिमालय की चोटी बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप हिमालय की चोटी को मत देखिए, आप ये सोचिए मेरा अगला कदम क्या है, अगला कदम मुझे कहाँ रखना है, आप उसी पे सोचिए, और धीरे 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 फिर आपको इससे पहले कि आपको पता चले आपको आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। तो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड यू नो फर्म इन योर रिजॉल्व, दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड।